100 के पिछवाड़े में के लगा ही दिया तुम लोगों ने। सपने सच में पूरे होते हैं दोस्तों। आज भी पता है 2 महीने पहले मैंने इसी गोदाम में पहली लॉन्ग वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब पे, बहुत सारी उम्मीदें लेकर। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था तुम लोग मेरे जैसे, मैंने अब तो बोलना ही छोड़ दिया है खुद को, मतलब मैं तंग आ चुकी हूँ इस प्राणी से। तो यही बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच तुम लोगों ने जिस तरीके से मेरे जैसे 2 टके की क्रिएटर को सपोर्ट किया है, ऐसे ही तुम लोग करते जाना मुझे सपोर्ट। मैं भी हकती जाऊंगी। मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि जब 100 के मेरे होंगे तो फिर मैं केक काटूंगी इसी टेबल पे। आज मैं एकदम लेकर आ गई हूँ केक दोस्तों, मैं केक लेकर आ गई हूँ। कल जब मेरे पूरे हुए ना 100 के, मैं तो इतनी मतलब खुशी, मतलब मैं पगला गई थी, इतनी खुश हो गई थी मैं कल, तो मतलब खुशी के मारे इतनी पगला गई ना एकदम। मेरा बाप जो है ना वो दूसरे कमरे में फोन चला रहा था, मैं तो खुशी के मारे छलांग लगा के मैंने काट दिया उसको। एंड ही गॉट सो स्केयर्ड, यू नो, डर गया था वो, डर के मारे मेरे को फिर से बंद कर दिया। थैंक गॉड मैं कल ही केक लेकर आ गई, नहीं तो आज कैसे लाती मैं तो बंद हूँ। मेरे को अब पहले खिड़की खोल के रखते थे, अभी खिड़की भी नहीं खोलते, बोलो हैं, इतना डरती। और जब मैं कल केक लाने गई, पता है क्या हुआ मेरे साथ, दुकान पे गए मैं केक लाने, जो अंकल थे ना दुकान पे, तो फिर मैंने अंकल को बोला कि अंकल जी मुझे केक दे दीजिए, तो फिर अंकल बोलते कि बर्थडे है, किसका बर्थडे है, तेरा, हैप्पी बर्थडे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, किसी का बर्थडे वर्थडे नहीं है, कोई मर गया है, मुझे केक काटना है। तो फिर अंकल वॉज लाइक, क्या मरने पे कौन केक काटता है? फिर मैंने बोला मैं काटती है भाई, तू जिस दिन मारेगा तेरे घर पे जाके भी केक काटूंगी ना, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। फिर उसके बाद पता नहीं वो ना फोन पे बात करने लग गया और मेरे को दे नहीं रहा था केक। तो फिर मैंने वेट किया कि चलो फोन पे बात करने के बाद मुझे देगा केक, वो फोन पे बात किए जा रहा है, मैं भी रुकी हुई हूँ। मेरे सामने एक बंदा था, मैंने उसको बोला क्या दे क्यों नहीं रहा है केक, किससे बात कर रहा है? फिर बोला कि मेंटल हॉस्पिटल पे कॉल किया है, तेरे को अभी देने जा रहे हैं ये लोग। मैं केक लेके आ गई, उसको पैसे भी नहीं दिए, नरे दिए है पैसे, दिए है, मुफ्त की नहीं लेती हूँ मैं पैसे दिए हैं, मैंने दिए है पैसे दिया है। तो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस सेलिब्रेशन? अरे वाह, क्या डिस्को में जा रहे हैं क्या हम लोग, डिस्को में? तेरे को जूता मैं अभी दिखा देती हूँ तुम लोगों को, मैं कैसा केक लेकर आई हूँ। वो बक्सा देख रहे हो तुम लोग, दैट इज द केक। तो मैं ज्यादा ना महंगी वाली केक नहीं अफोर्ड कर पाई क्योंकि मेरे पास अभी मतलब बहुत कम पैसे हैं, तो इसलिए मैंने उतना कॉस्टली केक अफोर्ड नहीं कर पाई मैं, तो इसलिए मैं जो भी केक लाई हूँ दिल से लाई हूँ, तुम सबके लिए लाई हूँ, बिकॉज तुम लोग मेरे कमेंट में आके कल बोल रहे थे कि 100 के हो गया है, नाउ यू हैव टू सेलिब्रेट, ओके मेघ रंजनी, बिस्कुट से नहीं होगा इस बार, तो फिर इसलिए मैं केक लेकर आ गई हूँ तुम लोगों के लिए, ओनली फॉर यू। सो दिस इज द केक, यू कैन सी दैट। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। एंड दोस्तों आई जस्ट वाना से वन थिंग इज दैट, मैं बेलून लाना भूल चुकी हूँ, मतलब भूल गई हूँ। मैंने बोला था कि मैं 2 या 3 बैलून अफोर्ड करूंगी, लेकिन मैं नहीं अफोर्ड कर पाई क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ। फॉर दैट आई एम सॉरी। ओके, तो मैं खोलती हूँ केक। सो दिस इज द केक, मैंने यहाँ पे 100 के भी लिखवाया है, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, यू कैन सी दैट। इन लोगों ने मुझे एक दिया है प्लास्टिक का काटने वाला, और मैं इसको प्लेट के ऊपर रख रही हूँ, यू कैन सी दैट। ओके डन, अभी मैं कैमरे को अच्छी जगह पे फोकस कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मतलब दिख नहीं रही है। सो लेट मी, और मैं यहाँ पे अब 2 कैंडल्स भी लगाने वाली हूँ क्योंकि लगानी चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नहीं पता, मैंने देखा है बहुत लोगों को लगाते हुए, तो मैं लगा देती हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी ये वाली लगाऊंगी सेकंड,
अभी और लगाऊं क्या? दो लगा दिए मैंने, और लगाऊं के एक सेकंड, क्या दिवाली चल रही है क्या इधर? और लगाऊं क्या? तेरे को तो अभी मैं काटने जा रही हूँ। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि काटने में मुझे बहुत मजा आता है, लोगों का भी और केक भी। एंड दिस इज द फाइनल लुक, एक बार देख लो क्योंकि ये कटने जा रहा है बेचारा। ये तो कैंडल्स जलाई है मैंने, एक को बुझाऊंगी एक को नहीं बुझाऊंगी क्योंकि दोनों नहीं बुझाने चाहिए हमें। एंड लेट्स स्टार्ट। पहले विश कर ली तू, ठीक है ना? टच ओवर एक्टिंग करवा लो बस, ओके? विश कर लेती हूँ, पहले खड़े होकर करती हूँ। क्रेजी बना दी तई चन्ना तेरा, थैंक यू। एक को बुझाती हूँ, एक को नहीं बुझानी चाहिए क्योंकि एक रखनी चाहिए, तो मैं रख रही हूँ। अभी मैं काट रही हूँ केक। I'm so excited। अंत तो रही है ना वीडियो। हाँ चलो स्टार्ट करती हूँ। हैप्पी 100K टू अस, हैप्पी 100K टू अस, हैप्पी 100K टू अस अस, हैप्पी 100K टू अस। सबसे जो पहला केक है वो मैं तुम लोगों को खिलाना चाहूंगी क्योंकि मुझसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो है, वो हो तुम लोग, क्योंकि आज मैं जो 2% की हूँ वो तुम लोगों के वजह से ही हूँ। तो मैं खिलाने जा रही हूँ तुम लोगों को। ये निकल नहीं रही है भाई, निकल। अरे तो ये मेघ रंजनी, तुम लोगों की मेघ रंजनी तुम लोगों को केक खिलाने जा रही है अपने हाथों से। सो या खा लो सब लोग, खा लो खा लो खा लो। चलो चलो खा लो। कैसी लगी? पूछ ऐसी रही हो जैसे मैंने खुद ने बनाया है। कैसी लगी? आलिया मारेंगे सब लोग। वी डिड इट। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ, ओके? अच्छी बनी है। मैं एक और पीस खाने वाली हूँ क्योंकि मैं खाती बहुत हूँ लेकिन लगती है नहीं। आई डोंट नो व्हाई। मैं और एक पीस खाना चाहूंगी। आई एम सॉरी, मुझे अच्छा लगा केक। ऑन ए सीरियस नोट मैं यही बोलना चाहूंगी कि सपने देखो, सपने देखो तुम लोग, औकात से 10 गुना बाहर जाके देखो, मैनिफेस्ट करो प्लीज। मैं सबको रेकमेंड करूंगी, सबको। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तुम लोग का ड्रीम था कि मेरा भी एक दिन 100K कंप्लीट हो। मैं बहुत सपने देखती थी बट नहीं होते थे कंप्लीट, बट फाइनली somehow आज वो दिन मुझे देखने मिला। मुझे नहीं लगा था कि इस जन्म में मुझे मिलेगा देखने को। you know, हर क्रिएटर के लिए ये जो दिन है ना, ये एक बहुत बड़ा दिन है। ये एक क्रिएटर के लिए इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड मैं यही बोलना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट फिर भी थैंक यू सो मच फॉर द लव, फॉर द सपोर्ट, फॉर एवरीथिंग। तुम लोगों ने मुझे जिस तरीके से गाइड किया है, मैं तो बोलूंगी तुम लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया है क्योंकि मैं कमेंट्स जितना हो सके मैं पढ़ती हूँ और वहां पे मुझे तुम लोग बोलते हो ऐसा ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, वैसे बोलनी चाहिए। मुझे भी उतना नहीं पता क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ और मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं खुद को कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं जो हूँ बस वो मैं रियल हूँ। मैं रियल रहना मुझे पसंद है, कुछ भी उससे अलग मुझसे नहीं होता है। तो मैं जो भी मेरे मुंह में आता है मैं बोल देती हूँ, जो भी मैं फील करती हूँ मैं बोल देती हूँ। तो तुम लोगों ने मुझे ग्रो करने में बहुत हेल्प करी है, तुम लोगों ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से गाइड किया है
और कई कई लोग, कई कई लोग तो यू नो देवर सिंह के आप अपना एड्रेस दे दो, हम आपको पैसे सेंड करेंगे या कुछ गिफ्ट्स वगैरह सेंड करेंगे. कोई बोल रहा था कि यू नो आपको कुछ हेल्प वगैरह अगर चाहिए, तो फिर मैं पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आज के डेट पे बहुत कम लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क. और एक ही बात बोलना चाहूंगी कि तुम लोगों ने इतना बोला है, मेरे लिए यही काफी है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए. अगर मुझे किसी दिन सच में कुछ चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी. तुम लोग मेरे लिए प्रे करना कि मैं अच्छे से मेहनत करके खुद को एस्टेब्लिश कर पाऊं, खुद के लिए कुछ कर पाऊं, खुद के साथ साथ उन लोगों के लिए कुछ कर पाऊं जो यू नो सच में दे नीड हेल्प. और यस, मैं यही बोलना चाहूंगी, एंड जिस दिन मुझे चाहिए होगा दिल से मैं तुम लोगों से मांगूंगी. अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो डेफिनेटली मैं मांगूंगी तुम लोगों से. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू लव्ड दिस वीडियो. और जल्दी आऊंगी, बहुत जल्द आने वाली हूँ, 3 दिन बाद. लाइक करना ठीक है ना, और कमेंट में मुझे विश करना भूलना मत, मुझे क्या मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना ठीक है ना. लव यू, बाय.